जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल यानी MP-ATGM के बारे में। हम जानेंगे कि ये मिसाइल कितनी घातक है और क्यों इसे इंडियन आर्मी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डीआरडीओ की ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल बेसिकली एक थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल है, जिसे नाग एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल से डेराइव किया गया है और इसे विम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में भारतीय थल सेना के लिए विकसित किया जा रहा है। ये मिसाइल एक स्वदेशी तौर पर विकसित करी गई लाइट वेट फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल है, जिसे एक मैन पोर्टेबल लॉन्चर जो कि थर्मल साइट के साथ इंटीग्रेटेड है, जो कि डे एंड नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी इसको प्रदान करता है, उससे इसको लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को एक कैनिस्टर की सहायता से सॉफ्ट लॉन्च किया जाता है और एक सेफ डिस्टेंस जो कि तकरीबन 9 से 10 मीटर की है, वहां पर पहुंचने के बाद इस मिसाइल का जो मेन मोटर है वो एक्टिवेट होता है और उसके बाद ये एनिमी टारगेट को हिट करता है। और इससे होता ये है कि जो ऑपरेटर है उसकी सेफ्टी को भी सुनिश्चित कर लिया जाता है। इस मिसाइल की लेंथ की बात की जाए तो वो 1.34 मीटर की है। वहीं इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर का है, जो कि एल्युमिनियम और कार्बन फाइबर लॉन्च ट्यूब और कोलैप्सिबल ट्राइपॉड के साथ में आती है, जो कि इसके वजन को काफी कम करते हैं। इसका वेट 14.5 किलोग्राम का है, लेकिन कमांड लॉन्च यूनिट के साथ जो कि तकरीबन 14.25 किलोग्राम की है, जिसमें लेजर डेजिग्नेटर और डिजिटल आर वेदर साइट मौजूद होती है। ये मिसाइल डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर के साथ में आती है, जिसमें बूस्ट फेज और सस्टेनर फेज होता है, जिससे कि जो टॉप अटैक कैपेबिलिटी है मैक्सिमम रेंज ट्रेजेक्ट्री की उसको अचीव किया जा सके। इस मिसाइल की फ्लाइट ड्यूरेशन 17 सेकेंड्स की है और ये जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल है इसकी मैक्सिमम रेंज 2.5 किलोमीटर की है। एनिमी टारगेट को हिट करने के लिए इसमें हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो एनिमी के आर्मर व्हीकल हैं, टैंक्स हैं, वो बच नहीं सकते। ये मिसाइल 650 mm के रोल्ड होमोजेनस आर्मर को भी पेनिट्रेट करने की क्षमता रखती है। डीआरडीओ की इस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यानी IR सीकर को भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि टारगेट को लॉक करने और उस पे अटैक करने की कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा एनहांस करता है। ये जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, ये एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल में बेसिकली आगे के हिस्से में मौजूद होता है और ये टारगेट की एक जो मेजराइज इमेज है उसको प्रदर्शित भी करता है। और इसके चलते इस मिसाइल की जो रेंज है वो 2.5 किलोमीटर की हो जाती है। डीआरडीओ की ये जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल है, इसे दुनिया के बेस्ट एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल सिस्टम में गिना जाता है, जैसे कि जैवलिन या फिर स्पाइक MR सिस्टम हो गए। गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर यह है कि डीआरडीओ की ये जो एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल है, ये जेट वेन थ्रस्टर के साथ में आती है, जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम के तौर पे भी जाने जाते हैं, जो कि एरियल व्हीकल जैसे कि एयरक्राफ्ट, रॉकेट या मिसाइल्स हो गई, इनके एल्टीट्यूड को चेंज करने में काफी ज्यादा सहायक साबित होते हैं। इसमें बेसिकली जो एग्जॉस्ट नोजल की डायरेक्शन है उसको चेंज करके जो एल्टीट्यूड है उसको चेंज किया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर ये भी है कि डीआरडीओ जेटवेन थ्रस्टर का इस्तेमाल बेसिकली मिसाइल का जो रोल रेट है, जो कि लॉन्च ट्यूब से बाहर आने के बाद होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी करती है। और ये जो जेटवेन मैकेनिज्म है, इसे ब्लास्ट ट्यूब के नोजल इन पे कॉन्फिगर किया गया है, ताकि जो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है इसे लॉन्च फेज में एक्सरसाइज किया जा सके। डीआरडीओ इस समय तकरीबन 20 की संख्या में जो जेटवेन कंट्रोल्स हैं, इनको मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए खरीदने के प्रयास में है, या हम ये कह लें कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो आगे चल रहा है। और ये माना जा रहा है कि ये जो प्रोक्योरमेंट है, ये बेसिकली लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन की जो मिसाइल्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पॉसिबल है कि यूजर ट्रायल्स में इस्तेमाल करी जाएं। अब आइए बात कर लेते हैं इस मिसाइल के डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में। तो अभी तक डीआरडीओ के द्वारा टोटल इस मिसाइल के 5 ट्रायल्स को कंडक्ट किया गया है और लेटेस्ट जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ट्रायल था वो 11 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था और ये पूरी तरीके से सफल टेस्ट था, जहां पर फाइनल और डिलीवरेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इसको टेस्ट किया गया था और इसको मैक्सिमम रेंज में भी टेस्ट किया गया है, जहां पर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रही है। और गौर करने वाली बात है कि यहां पर ये है कि ये मिसाइल अब सीरियल प्रोडक्शन में उतरने के लिए तैयार है और ये जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जहां पर तेलंगाना फैसिलिटी में इनका निर्माण होगा।
वहीं इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को इस मिसाइल के जो वॉरहेड्स हैं उनकी टीओटी प्रदान करी गई है और अब वॉरहेड्स का निर्माण उनके द्वारा किया जाएगा। एक बार जब इन्हें इंडक्ट कर लिया जाएगा सर्विस में तो ये मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बेसिकली जो मिलन और 9M113 कॉन्कोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं उनको रिप्लेस करेंगी और इनका इस्तेमाल स्पेशल फोर्सेज और दूसरे जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।